दोस्तों, मैंने अपने MI A3 फ़ोन के अंदर इंस्टॉल किया हूँ MIUI 11 वाला रोम, जो कि लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर सेटिंग्स ऑप्शन में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हो। 11.2 है, जो कि अब 20.3.12, जो कि बिटनेट ऑप्शन आता है, बीटा वर्जन है। काफ़ी बढ़िया, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी फिलहाल अभी Android 9.5 पे रन कर रहा Android 9.5 पे ही रन कर रहा है। और क्विक रिव्यू देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ इसके अंदर चेंजेस आया है और क्या इस रोम स्टेबल है या नॉन स्टेबल है, या कौन सी एप्लीकेशन क्या है, कैसा है, सब कुछ बढ़िया आपको फीचर्स बताऊंगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक रखते हैं 200 लाइक, उम्मीद है कि आप लोग 200 लाइक कर ही दोगे। दोस्तों, यहाँ पर इस रोम का इंस्टॉल करने का यही मकसद है कि MIUI 11, जो कि MI A3 के अंदर फिट बैठता है। मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था और अभी भी जो इसका चेक कर रहा हूँ, जो रोम इंस्टॉल करके, मुझे काफी फर्क लगा। बहुत सारे मोड में ये स्टेबल हो चुका है। ठीक है, काफी चीजें चेंजेस यहाँ पे देखने को भी मिला है मुझे। सेटिंग्स में मैं जाता हूँ, अगर मैं साउंड और वाइब्रेशन में जाता हूँ, ये फीचर्स यहाँ पे चेंजेस हुआ है। पिछले बार ये था ही नहीं। आई थिंक इसके अंदर काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लॉक डिस्प्ले के अंदर आपको बढ़िया फीचर्स, नए नए चीजें ऐड हुए हैं। ये वाला फीचर्स जो है काफी बढ़िया चल रहा है आज के टाइम में, काफी बढ़िया सेटअप लग रहा है। और आप बड़े मजे से आप सब कुछ यूज कर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर का नोटिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसका एनिमेशन वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, और फटाफट यूज हो जाता है। फेस अनलॉक का भी बढ़िया से अनलॉक हो जाता है। देखिए यहाँ पे फेस अनलॉक हो जाता है, बहुत अच्छे से ये यूज हो जाता है नॉर्मली। हमें मुझे काफी स्टेबल लगता है। पिछली बार भी मैंने यूज करके देखा था कि स्टेबल लगा था। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर मैं कैमरे को ऑन करके कोई वीडियो शूट करता हूँ, उसके अंदर इंटरनल ऑडियो जो है काफी बढ़िया वर्क करता है। और ये तो मजा आ जाता है, जैसे स्टॉक एंड्रॉइड में जितना, यही सेम 48 MP जो कैमरा है हमारे पास, वही सेम कैमरा इसके अंदर देखने को मिल जाता है। हमें और दूसरे कोई कैमरे की जरूरत नहीं पड़ता, बट इसके अंदर और फीचर्स आ जाता है। अगर हम कोई वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं तो इंटरनल ऑडियो जो है काफी मजे से यूज होता है। बहुत कुछ नए नए फीचर्स आपको इसके अंदर एडिशन देखने को मिलेंगे, और मैंने इसके अंदर यूज किया हूँ, काफी ठीक ठाक सा मुझे लग रहा है। सेटिंग्स के अंदर जाके आपको यहाँ पे थीम फीचर्स भी बहुत सारा दे रखा है, और स्पेशल फीचर्स में आपको पिछली बार मैंने बताया था कि ये फीचर सब इनेबल है। डबल टैप टू स्क्रीन ऑन, डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ है। आप फिंगरप्रिंट सेंसर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप जाके पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाते हो, या फिर फिंगरप्रिंट अनलॉक को जाते हो, मैं पैटर्न देके एंटर करता हूँ। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जाएंगे ना, फिंगरप्रिंट एनिमेशन फीचर्स आता है, ये भी मैंने पिछले दिनों आपको बताया था। आपको अलग से भी प्ले स्टोर से मिल जाएगा, और इसी के जो थीम स्टोर के अंदर से भी ये सब डिटेल्स मिल जाएगा। अगर कोई थीम आप यहाँ पे चेंज करते हो, इंस्टेंट कोई थीम चेंज करते हो, उसके अंदर सारे फीचर्स आपको इनेबल होते हैं। जैसे P10 नाम की कोई थीम है, इसको मैं इनेबल यानी कि इंस्टॉल किया, इसके अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऊपर देखिए नोटिफिकेशन पैनल भी चेंज हो गया। अगर मैं सेटिंग्स बॉक्स में जाता हूँ, यहाँ पे लोगो वगैरह सब चेंज हो गए हैं। ठीक है, सेटिंग्स बॉक्स में जाता हूँ, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया है। और यहाँ पे सेम टू सेम अगर हम कोई और भी फीचर्स आता है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट स्वाइप करते ना, इसके ऑटोमेटिक इसके अंदर चेंजेस आ जाता है। ये काफी बढ़िया, और इस टाइप का स्टेबल रोम बहुत कम देखने को मिलता है MIUI 3 के अंदर। MIUI 3 के लिए इतना जल्दी ये स्टेबल हो जाएगा, मैं कभी नहीं सोचा था कि बहुत जल्दी ये स्टेबल हो गया। अब उम्मीद है कि अगर MIUI 11 के अंदर Android 10 का अपडेट आ जाएगा, मैं भी थोड़े दिन वेट करने के बाद इसके अंदर जो 10 वाला फीचर्स आएगा, उसके अंदर और भी कुछ फीचर्स इसके अंदर एडिशन हो जाएगा। और इसके अंदर कुछ मेजर फिक्स नहीं है चीज़ें, जो कि मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊँ। एडिशनल के अंदर जाओगे, ये फीचर्स सब आपको इनेबल देखने को मिलेगा। सब कुछ इसके अंदर A to Z पैकअप मिला हुआ है। आप अगर MIUI 11 यूज करते हैं, सेम टू सेम इसमें यूज करेंगे, इतना हाँ मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इसको जो आप MIUI डिवाइस यूज करते हैं, उसके अंदर जो एडवर्टाइज वगैरह फालतू के आ जाता है, अगर ये रोम यूज करते हैं, इसके अंदर आपको एडवर्टाइज वगैरह देखने को मिला कि ये जो थीम है, ये भी सब इसके अंदर यूज कर लेता है। इसके अंदर आपको डिफॉल्ट फाइल मैनेजर मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। और डिफॉल्ट आपको म्यूजिक प्लेयर मिलता है, वीडियो प्लेयर भी म्यूजिक मिल जाता है, वीडियो प्लेयर भी आपको मिल जाता है। मतलब MIUI का सारे फीचर्स इसके अंदर। देखिए मैंने वीडियो शूट किया हूँ, इसके इंटरनल म्यूजिक आपको सुनाता हूँ। के अंदर जो मैंने MIUI 3 दोबारा लिया था, इस बीच में ये फोन जो है काफी बढ़िया रहा और अच्छा फैसिलिटी दिया। इसके इंटरनल जो हेलो वीडियो दोस्तों, है, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि MIUI 1 के अंदर जो मैंने MIUI 3 दिया,
तो ये जो टेस्ट वीडियो था आपको देख लिया, और सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ फीचर्स आपके इसके अंदर अवेलेबल मिलेगा। जैसे कई सारे चीज़ें होते हैं ना क्लीनर करने के लिए या सिक्योरिटी पैच करने के लिए, गेम गेम टर्बो के अंदर आपको गेम वगैरह सेटअप बना के गेम बूस्टर कर सकते हो। कुल मिला के आपको ठीक रहेगा ये रूम। रूम का डिस्क्रिप्शन में आपको लाटेस्ट रूम का लिंक मिल जाएगा, और बहुत सारे फीचर्स इनेबल है, काफ़ी स्टेबल हो चुका है। और आप किसी भी इसके अंदर MIUI 11 इसके अंदर फ्लैश करके MIUI 3 के अंदर आप Xiaomi के जो MIUI फोन को किसी के साथ भी टक्कर दे सकते हो, ये फोन आपको उससे ज़्यादा प्यारा लगेगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया लगेगा MIUI 3। तो बस वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, अगर आपको फ्लैश करना है चेक कर सकते हो। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा सारे सोशल साइट का लिंक है, आप वहां जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और कोई सवाल है वहां पे पूछ सकते हो। और बस मिलेंगे नए साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।